a conducting square loop of side length capital l and resistance capital r moves in its plane with a uniform velocity v perpendicular to one of its sides. a magnetic induction capital b constant in time and space pointing perpendicular to the perpendicular to and into the plane the loop exists everywhere.

कि अगर हमने पढ़ा था कि कंडक्टर अगर मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें इंड्यूस्ड ई होता है डेफिनेटली बीवीएल हमने पढ़ा था सर इंड्यूस्ड ई है सर तो नेट इंड्यूस अगर करंट नेट इंड्यूस जीरो तो मतलब नेट इंड्यूस ई जीरो हो गया तो यहां पर ऐसा कैसे पॉसिबल है दोस्तों इसका आंसर आप लोग दोगे कि कैसे नेट इंड्यूज ई जीरो है और कैसे नेट करंट जीरो है वो भी किसमें कमेंट्स में देना मैं इसका सोल्यूशन बाद में अपलोड करूंगा कि क्यों है वो तो जरूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये प्रॉब्लम चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना